दुख आपको आपका परिवार कभी नहीं देता भाई, ना आपकी माता आपको दुख देगी, ना आपकी पिता आपको दुख देंगे, ना आपका भाई आपको दुख देगा, ना आपकी धर्म पत्नी आपको दुख देगी, ना पति दुख देगा, ना बच्चे दुख देंगे, ना कुटुंब दुख देगा, ना बहू दुख देगी, ना पोता पोती दुख देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं और उनका परिवार उनको दुख दे रहा है? कितने लोग हैं ऐसे? कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि आपको ना आपकी पत्नी दुख दे रही है, ना आपको आपका पति दुख दे रहा है, ना आप अपने पति को तलाक दे रहे हो, ना आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो, ना आपका बेटा आपको दुख दे रहा है, ना आपकी बहू आपको दुख दे रही है, ना आपका कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, भाई आपको दुख दे रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता। भाई भी आपको दुख नहीं दे रहा, ना आपके परिवार वाले, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना सखा, ना दोस्त, कोई आपको दुख नहीं देता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, हमको लगता है हमारी बहू हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारी सास हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारा पति हमको दुख दे रहा है, हमें लगता है हमारे कुटुंब वाले हमको दुख दे रहे हैं। पर शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता कहती है ये कोई आपको दुख नहीं देते, दुख आपका पूर्व का कर्म आपको देता है। ये जितने भी मिले हैं ना आपको, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, भाई, बंधु, सखा, पत्नी, पति, पोता, पोती, ये जितने लुटेरे मिले हैं, ये जितने अपशब्द कहने वाले मिले हैं, ये जितना ताने देने वाले मिले हैं, ये जितने को रोटी नहीं दी और दी भी होगी, दूसरी बार गाय आ गई होगी तो डंडा मार के भगा दिया, वही बहू आई है, वाणी के डंडे कुदा रही है। कोई बेटा अगर नहीं सेवा कर रहा, कोई बेटा नहीं पूछ रहा, समझ लेना पूर्व में हम, हमारे बुजुर्ग, कोई दादाजी होगा, कोई दादी जी होगी, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, बचना नहीं है। बहुत बहुत ये हमें लगता है, गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे, तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। आपको फिर निवेदन कर रहा है, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीहोर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पुणे, जहां तहां हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहां हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना कभी एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया, तो इतने सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई कहे पुणे चले जाओ, कोई कहे मुंबई चले जाओ, कोई कहे इंदौर चले जाओ, कोई कहे भोपाल चले जाओ, पर रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर? विचार करिएगा, रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर? जरा विचार करिएगा। और कितने डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष, कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली भी कोई, लगाने वाली कोई विशेष वहां बैठी है, उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते। अभी अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा, कोरोना महामारी का लगवाया सबने। अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आया कि ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए, पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया पर कष्ट तो मिला। पर विचार करा कि ये क्यों मिली,
कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया? हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहां लाके छोड़ दिया। वो दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उनने तो कर दिया, उनने तो संसार में विनाश का कारण बना दिया, पर फिर प्रकृति ने क्या करा आज की स्थिति में? प्रकृति क्या कर रही है फिर? वो भी अंदाजा लगा, कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, एसी उड़ रही है गीली, कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया उस, फिर बचा कुचा था पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये तीन उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है, जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा, तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही तो दिखेगा, लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा, नेत्रों में जो काम अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाले की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छाई दिख ही जाएगी। इसलिए बारंबार कहा था कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हेट रह गया, ये बूट रह गया, ये सूट रह गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया, सब धरा की धरा रह गया, इसका मूल तत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है? ले भोले का नाम काहे यूं भटके, मिलता है आराम काहे यूं भटके। इस शिव का नाम लेकर हम जब शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्य हो जाएं, प्रेशर खोलिए महाराज, प्रेशर खोलिए, हम शिव का नाम लेकर जब अग्रण्य बढ़े आगे बढ़े, शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्यता के भाव की ओर बढ़े तो जीवन का सुख क्यों ना मिलेगा सर, वो जीवन का आनंद क्यों ना मिलेगा महाराज। शिव पुराण कह रहे हैं कोई बुरा नहीं संसार में, ये जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले बनते चले जाते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार बनते चले जाते हैं, कर्म के अनुसार, ये कोई दूसरा बनाता नहीं है। जैसा पूर्व में कर कर आए हो वैसा आपके सामने आपका व्यवहार सामने वाले का प्राप्त होगा, वैसा व्यवहार प्राप्त होगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कह रहा है महाराज। अच्छी संगत में बैठोगे, अच्छी संगत में अगर विराजमान होगे तो सुख अपने आप मिलेगा। माता के गर्भ से अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही हुआ है। अगर आप बैठकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना, थोड़ा ना थोड़ा परमात्मा की कृपा पूर्वजों का आशीर्वाद आपको ऊपर हुआ है,
इसलिए आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, श्रावण के महीने में आज शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन कर रहे हो। घर में चार बहुएं होती हैं, पांच बहू होती है, छह बहू होती है, सास छह ही बहू को बोलती है कि जाओ पानी लेकर आओ, अरे बोलो जम के जरा, नहीं बोलती ना, सास किसी एक का नाम लेगी, ए बेटा, ए लाली, एक बहू का नाम लेगी और उसको पुकारेगी और पुकार कर कहेगी जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे बेटा, बहू जाएगी पानी ला कर देगी। अब सास ने वो तीन को क्यों नहीं बुलाया रे, अरे बोलो तो जम के, वो तीन से क्या सास की दुश्मनी थी? नहीं, वो भी रोज मिलती, वो भी रोज प्रणाम करती है, वो भी रोज नमन करती है, वो भी रोज ना रोज सास के पास जाकर बैठती है, वो भी सास उनको भी साड़ी देती है और सास उसको भी साड़ी देती है, सास उसको भी रकम देती है उनको भी, और एक को बुलाया आवाज लगाकर, ए बेटा, ए लाली, ए बहू, जरा इधर आ, और जिसका नाम लेकर बुलाया वो दौड़ कर आई और लाकर पानी दे दिया। पर सास इसी को क्यों बुलाती है? चार बहू में से इसी बस बहू को आवाज क्यों लगाती है? बस उतना तुम अंदाजा लगा कर रखो कि सास इसी को ज्यादा क्यों बुलाती है, इसी से बात क्यों ज्यादा करती है। ना तो उसने कुछ दिया, ना इसने कुछ दिया, ना कोई बात, पर कुछ बहू में, चार बहुओं में, चार बेटे में कोई एक ऐसा होता है जिससे सास की अच्छी पटती है। उसी तरह भोलेनाथ भी परिवार में उसको देख लेता है जिससे शिव की अच्छी पटती है, उसी को बिठाता है कथा में।